टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में दो टाइप की मोशंस हैं। बॉडी को डिफाइन किया गया कि बॉडी की दो टाइप की मोशंस हैं। पहली टाइप की जो मोशन है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे टाइप की मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज होगी, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो दो केस हुए, या तो गाड़ी चलेगी विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, या गाड़ी चलेगी जब वेलोसिटी उसकी क्या होगी, चेंज होगी, या तो चेंज नहीं होगी या होगी। तो दो टाइप की मोशन डिफाइन कर दी। तो अगर आपकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही होगी बॉडी में, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होना, चेंज होना। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो। ये तो हमारा एक तरीका है डिफाइन करने का कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। एक मैथमेटिकल तरीका भी है। क्या मैथमेटिकल तरीका है? मैथमेटिकल तरीका ये है कि एक्सेलरेशन होती क्या है, बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमने क्या कहा, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो। तो ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में मैथमेटिकल डिफ्रेंसिएशन से पता लग गया कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, जीरो। तो अदरवाइज ये चीज हमें ऑलरेडी पहले भी पता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव करती है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। अब बात यह है कि अगर मान लो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन है, और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसमें रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दो केस हो सकते हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी की वेलोसिटी का इंक्रीज होना, रिटार्डेशन का मतलब बॉडी की वेलोसिटी का डिक्रीज होना। चलो इन एनी केस, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या प्रेजेंट होगी, एक्सेलरेशन। ठीक, चार इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आपने सुनी भी होंगी। पहली इक्वेशन s इज इक्वल टू vt, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक चीज याद रखना, जब भी बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी एंड देर इज नो एक्सेलरेशन, बहुत स्ट्रेट कट एक ही क्वेश्चन लगेगी, s इज इक्वल टू vt, बात खत्म। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है कभी भी नहीं इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू vt, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन यूज ही नहीं हो रही। तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, न्यूमेरिकल आएगा, तो उस न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू vt। लेकिन जिन क्वेश्चन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा s इज इक्वल टू vt। उसमें इन तीनों में से कोई इक्वेशन लगा सकते हो, आइदर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो चार इक्वेशंस हो गई। न्यूमेरिकल के अंदर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, क्या चेंज हो रही है। अगर तो कॉन्स्टेंट है फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, s इज इक्वल टू vt, बात खत्म। और अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है फिर उस केस में तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही अप्लाई करनी है या यही अप्लाई करनी है, कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करो आंसर आएगा। क्लियर? तो ये प्रैक्टिस से पता लगता है कब कौन सी इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है, ये प्रैक्टिस बताएगी। पर यहां तक क्लियर है सबको, चार इक्वेशंस। नेक्स्ट, अब हम एक काम करते हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। आप इमेजिन करें, आपके पास मान लो ये कोई कार है, कार किस पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे है। ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन क्योंकि हम डिस्टेंसेस नॉर्मली कहाँ से लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है, ओरिजिन लिया जाता है। तो मान ले ये 0.0 ओरिजिन है। सपोज बॉडी ए पे है, और बॉडी कहाँ पर आती है,
बी पे आती है, जैसे वो ए से चलती है आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं। ऑन करने का मतलब इनिशियल टाइम की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, जीरो। और जब वो बी पे पहुंच जाती है तो उस टाइम टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, टी सेकेंड। तो इसका मतलब इनिशियल टाइम क्या हुआ, जीरो सेकेंड, फाइनल टाइम क्या हुआ, टी सेकेंड। कोई डाउट इसमें? ठीक। जब वो ए पे है तो उसकी पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय कोऑर्डिनेट्स। तो हम एक्स एक्सिस पर ये मान के चलते हैं कि इस ए बॉडी या ए पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एक्स वन है, गिवन होगा 2 मीटर 4 मीटर कुछ तो होगा। हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेंगे, फ्रॉम ओरिजिन लेंगे। तो ओरिजिन से जब ये बॉडी चली थी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, एक्स वन। कुछ देर के बाद वो बी पे आ गई तो इसकी नई पोजीशन कितनी हो गई, एक्स टू। तो पोजीशन कहाँ से कहाँ हो गई, एक्स वन से एक्स टू। तो ये बताओ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या लिखेंगे, एस। तो डायग्राम क्लियर है? तो ये डायग्राम एक एग्जाम्पल है, डायग्राम तो क्या, एक एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया मैंने कि इनिशियली बॉडी की कोऑर्डिनेट एक्स वन है, एक्स टू हो गया और डिस्प्लेसमेंट एस है, विच इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सिचुएशन को ग्राफ से प्रेजेंट करो, आप ग्राफ से समझाओ ये क्या सिचुएशन थी। तो ग्राफ मैंने कौन सा बनाया, ग्राफ बनाया एक्स टी ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बताया, ये बताया कि ए पॉइंट पर टाइम की वैल्यू बोलो कितनी है, जीरो है। तो ये टाइम एक्सिस है, इस टाइम एक्सिस पर यहां पर टाइम कितना है, जीरो। और इस टाइम जीरो पे इसकी पोजीशन कितनी है, एक्स वन, इसकी पोजीशन एक्स वन है। तो क्योंकि वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ए पॉइंट यहां प्लॉट होगा कहीं पर, क्योंकि यहां पर इमेजिन करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स वन। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ए पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया, अब बी पॉइंट की को प्लॉट करते हैं। बी पॉइंट पर टाइम की वैल्यू कितनी है, टी, और बी पॉइंट पर पोजीशन कितनी है, एक्स टू। तो ये आपके पास रहा टी, कोई भी टी टू इक्वल टू टी, और इसका जो बी पॉइंट है वो कहीं ऐसे बनेगा जैसे ये एक्स टू पॉइंट है। तो बी पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, एक्स टू, एक्स टू। तो ए पॉइंट का की पोजीशन कितनी है, एक्स वन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स टू। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या प्लॉट किया, पॉइंट नंबर ए प्लॉट किया, पॉइंट नंबर बी प्लॉट किया, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। आप प्लीज इसको ना देखें 2 मिनट, आपने इस दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका ग्राफ आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ए बी क्या आ गया, ग्राफ आ गया इसका, किसका, इस बॉडी का, जो हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स वन से कितनी हो जाती है, एक्स टू हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ग्राफ आया ए से लेके बी तक, ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, ये वही चीज शो कर रहा है जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि जब टाइम जीरो है तो पोजीशन एक्स वन है, जब टाइम टी है तो पोजीशन एक्स टू है। अब एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, मैथ्स में आपको सिखाया होगा 9th या 10th में कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है ना, स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप निकालने का तरीका है टैन थीटा। स्लोप कैसे निकलती है, टैन थीटा। तो स्लोप होती क्या है, स्लोप हम हिल्स में जाते हैं तो क्या होता है, सड़क ऊपर की तरफ उठ रही होती है, हम कहते हैं स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, स्लोप। तो जितनी ऊपर उठती जाएगी स्लोप उतनी ज़्यादा, जितनी नीचे गिरती जाएगी ये सड़क उतनी स्लोप कम, फ्लैट हो जाएगी तो स्लोप इक्वल टू कितनी, जीरो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी जीरो स्लोप है, ये आपकी पॉजिटिव स्लोप है, जीरो स्लोप है, और नीचे आने का मतलब नेगेटिव स्लोप है। बताता हूँ क्या, पॉजिटिव स्लोप ये समझाती है कि आप ऊपर जा रहे हैं, किसी भी जो भी है प्लेन के ऊपर जा रहे हैं, प्लेन ऐसा आपका और आपकी गाड़ी ऊपर जा रही है। फ्लैट का मतलब स्लोप जीरो, आपकी गाड़ी बिल्कुल प्लेन सरफेस पे चल रही है, और जब उतरेगी तो स्लोप पॉजिटिव नहीं, स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है
स्लोप जो है, जो ये जो सड़क है वो नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल वैसे ही ये लाइन ऊपर जा रही है। तो इस केस में अगर स्लोप निकालनी है तो इमेजिन करो एक ट्राइंगल, क्योंकि टैन थीटा निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में ये आपके पास सपोज क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है x2, ये डिस्टेंस कितना है x1, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ x2 माइनस x1, और ये जो टाइम है ये t और ये 0, तो ये क्या आ गया t-0, तो ये कितना हो गया t2-t1। तो आपने क्या किया, एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आपने ये जो हाइट ली वो कहाँ से ली, x2-x1 ले ली, और ये बेस कहाँ से लिया, t2-t1 का ले लिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं कहूँ कि इमेजिन करो कि ये एंगल थीटा है ताकि आप स्लोप निकाल सकें, तो यहाँ पर टैन थीटा क्या आएगा, यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू आएगी x2-x1 डिवाइडेड बाई t2-t1। तो यहाँ पर जो टैन थीटा आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर x2-x1 डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है t2-t1। तो ये आपने क्या निकाल दी, इसकी स्लोप। ये कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और शॉर्ट में इसका नाम है XT ग्राफ, क्योंकि X स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, T स्टैंड फॉर टाइम, तो क्या बोलेंगे इसे, XT ग्राफ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ XT ग्राफ हमारे पास क्या आई, x2-x1 डिवाइडेड बाई t2-t1। ये न्यूमिनेटर में क्या आया, डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में क्या आया, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो आज का एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट है, स्लोप ऑफ XT ग्राफ, स्लोप ऑफ XT ग्राफ विल गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे XT ग्राफ की, कोई भी आपको ग्राफ गिवन होगा उसकी जब स्लोप निकलती है तो आपको क्या देगी, उस बॉडी की वेलोसिटी देगी। क्लियर है यहां तक? तो ये रिजल्ट मैंने प्रूव किया, तो लिख भी दिया, स्लोप ऑफ XT ग्राफ विल गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब स्लोप कांस्टेंट है, देखो स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट है कि आपकी जो मान लो एक सड़क पे चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है और वो सड़क कुछ इस तरीके से जाती जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, हम बोलते हैं स्लोप कांस्टेंट है। अब इमेजिन करो आपकी सड़क ऐसी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो स्लोप कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, फिर कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। इस केस में स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन आना और ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल इस केस में ये स्लोप क्या मानी जाती है, कांस्टेंट है। तो जब मैं बोलता हूँ इस डायग्राम को देखते हुए कि स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉडी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। तो इसका मतलब जब स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट है, तो वेलोसिटी की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक सेकेंड,
ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि स्लोप ऑफ जो एक्स टी ग्राफ है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको क्या देती है, वेलोसिटी, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या थी, एस, और टी टू माइनस टी वन में क्या होगा, टी माइनस जीरो। तो ये देखो, टी टू माइनस टी वन में टी माइनस जीरो, तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा, एस, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, टी, टी टू माइनस टी वन इज टी, और ये क्या चीज है, वेलोसिटी। तो क्या आ गया, एस बाई टी इज इक्वल टू वी, और क्या आ गया, एस इज इक्वल टू वी टी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो एस इज इक्वल टू वी टी की जो इक्वेशन बनी वो किस ग्राफ से बनी, वो इस ग्राफ से बनी। ये जो ए बी ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मैंने बोला था ना कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, किसकी, एक्स टी ग्राफ की, और जब स्लोप कांस्टेंट है तो और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो पहला ग्राफ क्लियर है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं आपको पेपर में आएगा ये ग्राफ बनाओ, नहीं कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई हैं इसके अंदर टॉपिक में। पहली चीज़ कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ एक्स टी ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और तीसरी चीज़ कि एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको क्या देगी, वेलोसिटी। याद रहेगा, एक्स और टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, वेलोसिटी कवर्ड बाय द बॉडी। क्या ये तीन पॉइंट्स क्लियर हैं? उसके बाद इसी कार के बारे में, सेम इसी में, जब बॉडी ए से बी पे आ रही है, जब बॉडी ए से बी पे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपके इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। मान लो आपकी कार चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आप टाइम टी इक्वल टू जीरो पे देखोगे तब भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड भी देखोगे तो भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, चेक करो, आप चेक कर लो। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी मान लो वी है, एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड वेलोसिटी वी है, एट टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड वेलोसिटी वी है, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। अब अगर मैं ये कहूं इस ग्राफ के अंडर एरिया निकाल दो, अंडर का मतलब नीचे का एरिया, तो ग्राफ क्या बना, ये स्ट्रेट लाइन बनी। इसके नीचे का एरिया क्या बनेगा, इसे शेड कर दिया मैंने, शेड कर दिया इसका एरिया, ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, v, मान लो इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी लेंथ क्या है, v, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, t। ये आ गया v, ये आ गया t, तो बोलो एरिया क्या बनेगा, v इंटू टी, सही है। तो एरिया क्या बनेगा, v इंटू टी, लेकिन v इंटू टी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक नया रिजल्ट आ गया, क्या कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ, जब भी कोई वी टी ग्राफ बनेगा उसके अंडर जो एरिया बनेगा, अगर आप उस एरिया को कैलकुलेट करें तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो पहला रिजल्ट आज क्या सीखा, कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, और दूसरा पॉइंट क्या सीखा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। भूलना नहीं है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक, ठीक, राइट? तो ठीक है यहां तक। तो मैंने क्या लिखा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अब अगर आप एग्जाम्पल में देखें, आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में यह तो ना पूछा जाएगा कि प्रूव करो, नहीं नहीं ये ऐसे ग्राफ आएंगे। इस ग्राफ में आपको वो कहेगा कि सपोज करो ये ग्राफ है, यहां से स्टार्ट होकर यहां पे आ गया,
कहाँ से, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे आ गया। ठीक, तो इसके अंदर ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और मान लो ये फाइनली डिस्टेंस कितने पे आ गया 10 मीटर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी वेलोसिटी। ये ग्राफ कौन सा है, एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। स्लोप निकालने का काम कैसे करेंगे, इसका एक इमेजिनरी ट्राइंगल ज्वाइन कर लो ऐसे, राइट। इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितना है, ये 10 है, ये 4 है, तो बोलो ये कितना है 6 मीटर है। ये कितना है 8 है, ये 0 है, तो ये कितना है 8 सेकेंड है। तो अगर मैं कहूं कि बोलो स्लोप कितनी है, तो इसकी जो स्लोप होगी दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड। तो कितना आंसर आएगा, कितना, तो यहां पर 3/4, क्या ये पॉइंट क्लियर है, कितना भी आएगा 3/4, क्लियर है यहां तक। तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने स्लोप निकाली, लेकिन स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ ही क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी इसमें 3/4, कोई डाउट इसमें। तो आपको अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी जिसमें एक्स और टी गिवन होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन होगा, आप स्लोप निकाल लें, स्लोप आपको क्या देगी इसमें, वेलोसिटी देगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन आएगा, इनस्टेड ऑफ गिविंग एक्स टी ग्राफ, वो आपको कौन सा ग्राफ दे रहा है, वी टी ग्राफ। तो वी टी ग्राफ आ गया। तो मान लो एक कार कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 से चली और टाइम टी इक्वल टू 7 मिनट तक चली, और क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, क्लियर है यहां तक। तो अब इसमें अगर कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, मैंने क्या सिखाया, एरिया अंडर कौन सा, वी टी ग्राफ। तो वी टी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकालें, यहां पे ये शेडेड एरिया निकालते हैं यहां से यहां तक, तो ये कितने हैं 10, ये कितने हैं 7, तो 10 मीटर पर सेकेंड है ये रहा, 10 मीटर पर सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 सेकेंड से, तो आपके पास क्या आएगा 70 मीटर, कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक। तो आपके पास जो डिस्टेंस या जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 70 मीटर आएगी, क्योंकि एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपको क्या देगा, एस। तो पॉइंट समझ में आया, जो आज हमने सीखा दो रिजल्ट कैसे लगाने हैं आपने ग्राफ में, ठीक। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज ये है वेलोसिटी और ये है टाइम और ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, आपको क्या चाहिए इसमें, क्या निकालना है, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ कौन सा है, एक्स टी की वी टी, वी टी। वी टी ग्राफ के अंदर क्या होता है, अगर आप एरिया अंडर दी ग्राफ निकाल लें तो आपको क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। और आपको डिस्प्लेसमेंट निकाले, एरिया निकालो, स्टार्ट करो, एरिया निकालो इसका। तो एरिया के लिए इसको क्या करेंगे, एरिया के लिए डिवाइड कर लो ना, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल ले लो, फिर ये दूसरा ट्राइंगल ले लो, ये तीसरा रेक्टेंगल ले लो और ये चौथा ले लो, इन सब का एरिया ऐड कर दो, आंसर करो ट्राई, कितना आ रहा है,
ठीक है, कितना आंसर आया? 19. 19. देखो तो इसमें कैसे किया आपने, पहले इस ट्राइंगल का निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस, बेस कितने हैं 3 माइनस 0 3, और हाइट कितनी है इसमें 8, ठीक है, फिर इस ट्राइंगल का निकाल लो, हाफ इंटू बेस कितने हैं 4 में से 3 गया 1, और हाइट कितनी है 8 में से 2 गया 6, फिर इस रेक्टेंगल, वैसे इकट्ठा भी निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल लो, एल इंटू बी इसका निकाल लो कितना 2 into 5 minus 4 is 1, ऐड कर लो आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो अगर आप ये कह रहे हो कि ये एरिया ना या मेरा आंसर नहीं आया तो मेरे को फिजिक्स मुश्किल लग रही है, पहली बात तो ये समझा दूं कि फिजिक्स का काम नहीं है एरिया निकालना। अगर आपको एरिया निकालना नहीं आ रहा, आपकी मैथ्स में प्रॉब्लम है, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वालों का काम ये बताना था कि अगर आपको ये ग्राफ गिवन है और आपको अगर वी टी ग्राफ गिवन है और आप वी टी ग्राफ के अंडर एरिया निकालें तो आपको डिस्प्लेसमेंट देती है, तो बस। तो आपसे अगर ये पूछे कि वी टी ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो आप क्या निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे। तो एरिया हर कोई कैलकुलेट कर लेगा, तो आप इसको ब्रेक कर लें, ब्रेक करके इंडिविजुअल एरियाज निकाल लें और फिर ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 19 19, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी होगी इसमें, 19। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अब मान लो ये जो केस हमने किए, इसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या मानी गई थी सभी एग्जांपल में, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक, यानी कि बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैंने ये नहीं कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन है पर कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सेम वैल्यू के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगी स्पीड। कैसे, जैसे मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड में स्पीड कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में 35 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो चेंज जो है हमेशा 5 का आ रहा है और टाइम भी बराबर है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए 2 सेकेंड में स्पीड 20 से 30 हो गई, अगले 2 सेकेंड में 30 से 300 हो गई, नहीं, फिर उस केस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। पर हमारे केसेस में एक्सेलेरेशन क्या आती है, हमेशा कांस्टेंट ही आती है। हमारे जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है। तो सपोज आपके पास कोई ए बॉडी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, यू, ठीक, और थोड़ी देर के बाद ये सेकेंड पोजीशन पे आती है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी। तो यहां पर जब वो बॉडी चली थी और इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो आपकी स्टॉप वॉच में टाइम क्या था, टी1 0, और जब वेलोसिटी वी हो गई, बढ़ गई, इसका टाइम कितना था स्टॉप वॉच में, टी। क्लियर? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इस वैल्यूज को देखते हुए मेरे लिए एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो, कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? अच्छा चलो मैं ऐसे पूछता हूं, मैं अपने घर से चला, कार में बैठा, मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, मैं कहां से आया, कौन सी डिस्टेंस कवर किया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बता वेट कर रहे थे और मैंने, आपने जो मेरी कार आई यहां पे, उसकी वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड, जो फाइनल बी पॉइंट पर पहुंची। मैंने आपसे पूछा कि एक्स के बारे में बताओ, मैंने एक्स कैसे कवर किया, आपको कि मुझे क्या पता कहां से आए हो, मेरे को सिर्फ यू पता है, मेरे को सिर्फ वी पता है। तो आप एक्स के बारे में, इसमें कुछ गिवन ही नहीं इंफॉर्मेशन में, तो इसीलिए मैं इसका एक्स टी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सीधा कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेट अस सपोज जब बॉडी ए पे थी तो टाइम क्या था, 0, और वेलोसिटी क्या थी, यू। तो ग्राफ में जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी है, यू। तो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट को प्लॉट करना आ गया। ए पॉइंट को कैसे प्लॉट किया, जब टाइम 0 है तो
तो वेलोसिटी कितनी है यू, और बी पॉइंट पर टाइम क्या है टी, तो वेलोसिटी कितनी है पी। ये देखो ये टोटल वेलोसिटी कितनी है वी, तो टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी है वी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो ए पॉइंट पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है यू, बी पॉइंट पर टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है वी। तो यही चीज बता रहा हूं, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी यू, टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे वेलोसिटी वी। तो क्लियर है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन आया। ठीक, तो बाद में आंसर दूंगा कि स्ट्रेट ही क्यों ड्रॉ किया, टेढ़ा भी तो हो सकता था ग्राफ, पर इसमें स्ट्रेट होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका आंसर थोड़ी देर में देता हूं। तो इसका इसको मैंने ज्वाइन कर लिया ए बी, और मैंने ये पूछा ये कौन सा ग्राफ है, तो आपने क्या आंसर दिया एक्स टी की वी टी ग्राफ है। अब मैंने कहा इसकी स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के लिए आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल में ये हाइट और बेस लिया, तो ये हाइट क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है वी, और ये डिस्टेंस कितना है यू, तो ये हाइट क्या होगी वी माइनस यू, तो हाइट इज इक्वल टू वी माइनस यू, और बेस क्या बनेगा टी माइनस जीरो इज टी। क्लियर है यहां तक, तो हाइट बन गई वी माइनस यू, टाइम बना टी, और मैंने बोला कि स्लोप निकालो, स्लोप निकालने का मतलब टाइम थीटा लेना, तो आपने इमेजिन किया ये एंगल कितना है थीटा, टैन थीटा क्या होगा दिस हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है वी माइनस यू, बेस कितना है टी। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ मैंने क्या निकाली, हाइट क्या है वी माइनस यू, टाइम क्या है टी, पर आपने जब रिजल्ट देखा तो आपने कहा दिस इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन, तो एक नया रिजल्ट आ गया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगी एक्सेलरेशन। तब कुल मिला के हमारे पास तीन रिजल्ट्स हैं, पहला स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको क्या देती है वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देती है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपको क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देती है वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देगा एक्सेलरेशन, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। तीन रिजल्ट्स याद रखना, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ये रिजल्ट करने के बाद आप मुझे ये बताओ कि ये स्लोप है, क्या ये स्लोप चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देती है आपको एक्सेलरेशन, तो अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ठीक बोला ना, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तभी तो ग्राफ क्या बना था स्ट्रेट लाइन, ताकि एक्सेलरेशन क्या रहे कांस्टेंट, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था कि इसमें मैं एक्सेलरेशन को क्या लूंगा कांस्टेंट। क्लियर है ये रिजल्ट भी, ठीक है यहां तक। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक कार मूव कर रही है, वो यहां से यहां चली गई, ये ग्राफ गिवन है आपको, कौन सा ग्राफ गिवन है एक्स टी की वी टी, वी टी ग्राफ है। इस वी टी ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो क्या आएगी एक्सेलरेशन, तो वो क्या निकालने को कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, तो निकाल दो, तो एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन के लिए आप एक ट्राइंगल ऐसे इमेजिन करो ये रहा, तो ये कितना है 10, ये कितना है 4, 10 माइनस 4 क्या होगा 6, तो ये कितना है 15 माइनस 0 कितना आ गया 15 सेकेंड। क्लियर है यहां तक, तो अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन निकाल लूं तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी इसकी स्लोप, तो स्लोप क्या होगी 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड, तो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई होकर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है एक्सेलरेशन कैसे आएगी ग्राफ देखते हुए, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं ये समझ में आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती कि आप ग्राफ कैसे बनाओगे ये बना के दिखाओ, नहीं, ग्राफ कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, आपको ग्राफ दिया जाएगा उसका एनालिसिस पूछेगा, आप ग्राफ को देखते हुए क्या समझते हैं। जैसे जैसे मेरे पास सपोज एक्स टी ग्राफ है, एक्स और टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जबकि मेरा ये वाला ग्राफ, ये जो एक्स टी ग्राफ था जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया था एक्सप्लेन करते हुए, वो ओरिजिन से कहाँ स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ,
तो अगर मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है तो मैं क्या समझूं, क्या इसका मतलब? नहीं, क्या इनी, क्या अभी कोई बोला इसमें वेलोसिटी का ग्राफ कहाँ है? आपको नहीं लगता अगर ए को यहां लेके आना है तो एक्स वन को क्या पुट करना है? जीरो। तो इस एग्जाम्पल में ये बॉडी ओरिजिन से नहीं चली थी, थोड़ी आगे से चली थी, तो इसलिए एक्स वन प्रेजेंट था। अगर ये बॉडी ओरिजिन से चलती तो एक्स वन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? जीरो। तो एक्स वन जीरो होता तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता? ओरिजिन से। तो यानी कि अगर ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है एक्स वन से, यानी कि वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो अपने रेफरेंस पॉइंट से ही गाड़ी चली है। ए पॉइंट कहां पर है? एट ओरिजिन। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो लेट अस सपोज ये ग्राफ गिवन है आपको, इस ग्राफ को देखते हुए क्या समझ पाते हो? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सा ग्राफ है? एक्स टी की वी टी, एक्स टी। एक्स टी ग्राफ की स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्ट्रेट लाइन तो कॉन्स्टेंट है। तो अगर इसकी स्लोप कॉन्स्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या रही होगी? कॉन्स्टेंट। तो ये ग्राफ आपको स्ट्रेट वे ये बताएगा कि इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या है? कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें? अगला ग्राफ कौन सा ग्राफ है? एक्स टी की बी टी, एक्स टी। क्या ये स्लोप सेम है? नहीं, स्लोप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ चेंज हो रही है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ चेंज हो रही है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या होती है? वेलोसिटी। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर ग्राफ आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो इससे क्या एनालिसिस निकलता है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट इज वेलोसिटी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है वी टी ग्राफ। अगर आपका वी टी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट, चलो यहां से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कॉन्स्टेंट है। तो स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ कॉन्स्टेंट है। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? क्लियर है यहां तक? तो अगर वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। और ऐसे ही अगर वी टी ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वी टी ग्राफ की स्लोप क्या हो रही है? चेंज। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है? चेंज। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक। अभिषेक, आदित्य, आदित्य, अर्शिया, ठीक ठीक है। तो इस शीट के बाद, ये शीट नंबर 7 थी, शीट नंबर 8, शीट नंबर 8, देखो। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, फिर से एक बार ग्राफ का और डीप एनालिसिस करते हैं। हमने ये सीखा कि अगर एक्स टी ग्राफ है और स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी किया। अगर एक्स टी ग्राफ है और स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज, राइट? अब किसी ने कहा यहां वेलोसिटी निकलेगी कैसे, क्योंकि यहां तो मैं निकाल लूंगा कैसे, ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, टैन थीटा लूंगा, वेलोसिटी आ जाएगी, बात खत्म। पर जब ये ग्राफ हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्लोप हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी हर वक्त अपनी वैल्यू को चेंज करेगी, तो मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा कैसे? तो एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? कि ऐसे केस में अगर आपको वेलोसिटीज निकालनी है, आप सिंपली एक काम करें, मान लो यहां पे वेलोसिटी निकालनी है इस टाइम पे,
मान लो दिस इज टी इक्वल टू 10 सेकेंड, और यहाँ पर आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी निकालनी है, आप सिंपल एक स्केल लें एंड ड्रॉ अ टेंजेंट, बस इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। आपको कहोगे टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होगा, जब आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये कहीं ना कहीं एक्सिस को टच करेगा। आप एक ट्राइंगल अब ड्रॉ कर लें, इसका ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लें ऐसे, और इस ट्राइंगल में टैन थीटा निकाल दें, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। फिर देखो मान लो यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी थी, राइट, मान लो यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैंने क्या बताया, ड्रॉ अ टेंजेंट, जहां जाते जाने दो स्ट्रेट टेंजेंट, आप ये हाइट निकालो, आप ये डिस्टेंस निकालो, तो दिस अपॉन दिस जब डिवाइड करोगे तो इस इंस्टेंट पर क्या आ जाएगी वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? आप सोचेंगे ऐसा कैसे, और दूसरा क्वेश्चन ये कि जब मेरे को यहां पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो टेंजेंट है वो नेगेटिव एक्सिस में चली गई, तो मैं जब टैन थीटा लूंगा तो उसमें नेगेटिव लूंगा नहीं, मैं ये लेंथ लूंगा और टोटल लेंथ लूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा, टोटल लंबाई कितनी है, मैं डिवाइड करूंगा, अपने आप यहाँ वेलोसिटी आएगी। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि टेंजेंट लो टैन थीटा लो तो वेलोसिटी आएगी। इसको देखने के लिए मान लो ये एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको ये पॉइंट नजर आएगा नहीं, आपको थोड़ा बड़ी लेंथ नजर आएगी। कैसे? कुछ ऐसे, ये देखो, ये देखो, जितना हो सका मैंने किया, तो कुछ इस तरीके से आप चेक करो, ये जो था तो वो पॉइंट था, ये देखो लाइन के अंदर हूं मैं, लाइन के अंदर ही देखो मैंने एक छोटी लाइन दिखा दी, जबकि जब आप इसको नॉर्मल देखते हो ये एक पॉइंट है, बहुत हल्का सा पॉइंट ही ड्रॉ किया था, लेकिन जब बड़ा करते हो तो ये इतना बड़ा दिखता नहीं पॉइंट, काफी बड़ा दिखेगा आपको ऐसे। तो अगर आपको इस, अगर अंदर लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है हल्की सी, इसकी स्लोप निकालनी है, तो आप अंदर ही अंदर एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरीके से आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे कुछ ऐसे, ये रहा, राइट। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो और यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ट्राइंगल ड्रॉ करके इसकी क्या निकालोगे, टैन थीटा की वैल्यू, उसकी स्लोप होगी। तो आप कहोगे फिर ये कैसे, मतलब वो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसको बड़ा करता हूं और मान लो ये वो पॉइंट है, देखो सपोज करो ये एक पॉइंट है, राइट, मैंने ये कहा कि जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे, बहुत बड़ा करोगे, या बड़ा करने की जरूरत नहीं, डायग्राम बड़ा करोगे, रखो पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको ऐसा नजर आएगा अंदर से ऐसा, हालांकि मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ किया है, पर क्योंकि मैंने इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा है कि ये पॉइंट एनलार्ज होकर ऐसा दिखेगा, लाइन का पार्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस केस में अगर ये लाइन का पार्ट है, राइट, तो ये छोटा सा पार्ट है, और मैंने ये कहा कि आप इसका एक ट्राइंगल ले लो और मुझे इसकी यहाँ पे वेलोसिटी बता दो, तो आप क्या निकालोगे, इसकी स्लोप निकालोगे, इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, टैन थीटा। अब टैन थीटा में कैसे, ये क्या है एक्स, ये पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा छोटा है, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही बहुत बहुत छोटा होगा, ये लेंथ बहुत छोटी होगी, और अगर एक्स का बहुत छोटा एलिमेंट निकालना है तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, dx, तो ये लेंथ क्या आएगी, dx। ऐसी अगर टाइम है, टाइम का सबसे छोटा एलिमेंट क्या आएगा, dt, टाइम का सबसे, क्योंकि इससे छोटे लेंथ हो नहीं सकती ना, पॉइंट तो है, पॉइंट के ऊपर तो कैलकुलेशन चल रही है, हालांकि समझाने के लिए बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, पर आपसे कोई इतनी ज्यादा छोटी कैलकुलेशन करवा नहीं रहा, सिर्फ समझाने के लिए कि ये अगर x है तो ये इसकी जो हाइट है सबसे छोटी होगी dx, अगर ये t है तो ये सबसे छोटा होगा dt, और अगर आप इसकी स्लोप निकाल लें तो क्या आएगी, dx upon dt, और dx by dt को ही क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप कहेंगे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हम इतने छोटे ट्राइंगल्स में काम नहीं कर सकते, कौन इतना माइक्रोस्कोप ले लेके वो पॉइंट को पहले बड़ा करेगा, फिर dx निकालेगा, dt निकालेगा, कुछ नहीं निकालना,
हम क्या करते हैं कि अगर इसे पीछे एक्सटेंड कर लें, पीछे लाइन को खींच लेते हैं, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ट्राइंगल का एंगल थीटा है, तो जहां ये इसे टच करेगा वो एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस ट्राइंगल वी विल सॉल्व दिस ट्राइंगल। तो हम टैन थीटा यहां से निकालेंगे, हम टैन थीटा यहां से निकालेंगे, बात एक ही है। तो इसलिए इतनी डीप एनालिसिस में जाते ही नहीं, समझाने के लिए बताते जरूर हैं कि ये पॉइंट लो, इस पॉइंट को बड़ा करो तो ये छोटे छोटे दो एलिमेंट दिखेंगे, इसकी स्लोप लो dx बाई डी टी आएगा, ताकि आपको पता लगे कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन करते कैसे प्रैक्टिकली, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं बस। और टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, ये पूरी की पूरी, देखो अंदर बन तो अंदर ट्राइंगल रहे पर हम ट्राइंगल ले नहीं रहे, हम सीधा नीचे लेके जाएंगे इसे और सीधा टैन थीटा कैलकुलेट करेंगे, बड़े ट्राइंगल से अपने आप छोटे ट्राइंगल की जो लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी। हमने ना कुछ नहीं करना, जैसे ये वाला है पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं इसमें, हमने सिंपल ये देखा ये छोटा ट्राइंगल तो मैं बना नहीं पा रहा, मैंने इसको पीछे ज्वाइन किया, कम से कम ये एंगल तो निकाल पाऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं इसमें नेगेटिव का चक्कर डालूंगा नहीं, मैं टोटल पॉजिटिव लेंथ ही लूंगा इसकी, तो टैन थीटा कैसे निकालूंगा, पता लगे आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, आपको नेट आंसर बेस ही जीरो, बेस जीरो कैसे होगा, अभी पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप अगर ये सोचें कि मेरे को ये करना पड़ेगा, पहले छोटा मानना पड़ेगा फिर मैं इसको बड़ा करके देखूंगा, नहीं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन इस पर कैलकुलेशन पे नहीं आता, क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आता है। आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आता है कि अगर आपका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है और आपसे कोई कहे कि यहां पर इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकाल के दो, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और आपने क्या निकाल देना है, टैन थीटा, जो टैन थीटा स्लोप आएगी क्योंकि एक्सटी ग्राफ है, वो इस इंस्टेंट पर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। आप एक चीज देखो, जब यहां पर टेंजेंट है, यहां टेंजेंट है, यहां टेंजेंट है, यहां टेंजेंट, टेंजेंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज। तो टैन थीटा हर ट्राइंगल में क्या आएगा, डिफरेंट, और टैन थीटा क्या देते हैं आपको, वेलोसिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि स्लोप टैन थीटा हर पॉइंट पर डिफरेंट है, तो स्लोप एक्सटी ग्राफ की क्या होती है, वेलोसिटी। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी डिफरेंट है, और जो वेलोसिटीज हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यूज को चेंज करती हैं, उन वेलोसिटीज को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो रूल ये बनाया कि आपके पास अगर टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है, आप एक पॉइंट लें जहां पर वेलोसिटी निकालनी है, आप टेंजेंट ड्रॉ करें, टैन थीटा लें, वो आपको वेलोसिटी देगी। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सपोज करो आपको ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, कौन सा, एक्सटी ग्राफ ये गिवन है टेढ़ा ऐसे, राइट। आपको ये बताना है कि ऐसा पॉइंट ढूंढो इसके ऊपर जहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, बोलो कौन सा पॉइंट है, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, कहां पे, यहां पे और यहां पे और यहां पे, नहीं यहां पे पक्का, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ओके ठीक, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो अपनी घड़ी स्टार्ट करना, ये मैंने इस बॉल को या इस सेल को फेंकना है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या सोच रहे हो कि पहले ये सेल मेरे हाथ में था, यू जीरो था, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, फिर बढ़ती 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 कम हुई होगी, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी चीज़ को अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकते हो तो आप यू हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, तब ये ऊपर गया, जीरो से ऊपर नहीं जाता, जीरो से कौन ऊपर गया, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। आप सिक्का भी उछालते हो ना, फेंकते हो सिक्का, क्यों, यू आर गिविंग इनिशियल वेलोसिटी। जब अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकते हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है, राइट। तो जब मैंने टी जीरो लिया और मैंने सिक्के को उछाला, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं थी, मैंने उसको दी वेलोसिटी 10। तो इस केस में भी इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, कहाँ पर, हाइट, एंड पे, एंड पे, ओके, ये कह रहे हैं एंड पे, एंड का मतलब टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे एक्स क्या हो गया, वापस जीरो, लो ये सेल वापस घूम के मेरे हाथ में आ गया, हिट किया इसने वेलोसिटी से मेरे को, यार जीरो कैसे हुआ, मेरे हाथ पे चोट लगी है, हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी आई, जीरो कैसे हो गया,
जब भी कोई बॉल नीचे गिरेगी ना सर पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि जीरो वेलोसिटी पे गिरेगी। क्यों भाई? हिट एनर्जी है उसके पास। बोलो, पीक पे। कहाँ पे? पीक पे, टॉप पे, यहां पे। ऐसा क्यों? आप इतना सोच क्यों रहे हो? ये ग्राफ कौन सा तो है? स्ट्रेट लाइन एक्सटी की वीटी? एक्सटी। एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी देती है। तो वो पॉइंट ढूंढो जहां पर स्लोप जीरो हो जाए। स्लोप जीरो क्या होती है? जब फ्लैट हो जाएगा, कैसा? ना ऊपर जाएगी स्लोप ना नीचे, ये होती है स्लोप जीरो। आपको कहां दिख रहा है वो पॉइंट? एट, ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप जीरो है। ढूंढने की जरूरत क्या है? सोचने की जरूरत क्या है? ये रहा वो पॉइंट जहां पर स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो, काम खत्म। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बॉल मेरे हाथ में थी, फिर वो ऊपर गई थी, फिर मैं ऐसे सोचूंगा। नहीं, एक्सटी ग्राफ स्लोप देती है उसकी। वेलोसिटी जो जो स्लोप जो है वो वेलोसिटी है। जहां स्लोप जीरो है वहां वेलोसिटी जीरो है। तो एक्चुअल में अब अगर और डीप एनालिसिस करें तो देखो, क्या ऐसा बोलें, सपोज करो जब ये बॉल यहां पे थी ना, या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये मेरा पेन टेंजेंट है। देखो, जब ये यहां पे था इनिशियली, क्या ये टेंजेंट स्लोप जीरो थी इसकी? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने कैसे सोचा इसकी वेलोसिटी जीरो है? आपने सोचा एक्स जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट है, स्लोप है, इस समय वेलोसिटी भी है। अच्छा ये बताओ, जब हम ऊपर जा रहे हैं, ये स्लोप कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? अब तो स्लोप पहले ज्यादा थी ना, ऊपर आते 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 कम 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 कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो। तो इसका मतलब इस केस में जो भी एग्जांपल है उसमें वेलोसिटी काफी ज्यादा थी इनिशियली, फिर कम 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 स्लोप कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम 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 कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लोप क्या हो गई? जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अब क्या हुआ? अब ये स्लोप ऐसी हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, नीचे 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 नीचे। स्लोप का मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वेलोसिटी नेगेटिव क्या शो करती है, वेलोसिटी पॉजिटिव ये शो करती है कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। वेलोसिटी नेगेटिव ये शो करती है यू आर मूविंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स ओरिजन। यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब बॉल ने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज। तो यानी कि इमेजिन करो, आपने बॉल को किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका 10, ऊपर जाते जाते 10, 9, 8, 7 करते करते 0, तो बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर गई, फिर 1, 2, 3, 4 करते करते मेरे हाथ में वापस आ गई, डायरेक्शन हैज चेंज्ड, सेम वेलोसिटी नीचे आई। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं? वेलोसिटी पहले कम होना, 0 होना, और वेलोसिटी फिर बढ़ना। या और इजी एग्जांपल, मैंने एक कार में था, कार की इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, कार ने ब्रेक सप्लाई की 10, 9, 8 करते करते वो रुक गई वहां पर 0। मान लो यहां से यहां जा रही थी, 0 रुक गई, अब वो वापस आ रही है, डायरेक्शन है चेंज्ड, तो फिर से कार की डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, सेम केस है। तो आप एग्जाम्पल अपने मन में जो मर्जी सोचो, आपकी मर्जी है, बट आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि कोई पॉइंट ढूंढो जहां पर वेलोसिटी जीरो है, तो आपने सिंपली एक्सटी ग्राफ में क्या ढूंढना है? वो पॉइंट जहां पर स्लोप क्या आ रही है? जीरो। बात खत्म। तो आइडिया क्लियर है ग्राफ को रीडिंग, ग्राफ की रीडिंग कैसे होती है? ठीक, अगर हम एक बहुत छोटा एलिमेंट लेते हैं ना, वो इतना छोटा और इतना छोटा, इतना छोटा है कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डीवी होती है उसमें, डीवी होती है उसमें, राइट? अब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डीवी होती है, आप कह रहे हो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, प्रॉब्लम क्या है उसमें? अच्छा, आप टॉपोस पॉइंट की बात कर रहे हो, आपको तो समझाने के लिए बनाया, इतने छोटे इंटरवल पे काम नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट लिया जाएगा, पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट स्ट्रेट ही आएगा। जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि इसको माइक्रोस्कोप की तरह देखो, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, अंदर लाइन, इस लाइन की स्लोप पहले जीरो है, इसको सॉल्व क्या करना, ये तो पहली स्लोप जीरो पे है, इसको और एक्सटेंड कर लोगे और जीरो रहेगा, फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। चाहे ये पॉइंट छोटा लो चाहे ये पॉइंट बड़ा लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, स्लोप जीरो रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे रीडिंग इसकी आपने, कैसे एनालिसिस करना है? अब जैसे मान लो आपके पास फिर से एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ में ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर आपसे ये पूछूं फाइंड
एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट में ये और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो. सिंपली कैसे ग्राफ गया कोई लेना देना नहीं. आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो. ये आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा एक्स. और ये क्या होगा? टोटल टाइम डेल्टा टी. अगर आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो एवरेज वेलोसिटी निकालना सबसे आसान है. क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी में इन दो पॉइंट्स को अपने ज्वाइन कर लेना है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी आपके पास? एवरेज वेलोसिटी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. और इस एग्जांपल में करके देखते हैं. जैसे सपोज करो आपको इस एग्जांपल के अंदर कुछ इंटरवल्स गिवन है 1, 2 एंड 3. ठीक है. इसके अंदर ये डिस्टेंसेस एंड टाइम भी गिवन है. इसके अंदर सपोज पहला इंटरवल है. पहले इंटरवल में वो पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी है. कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ है. इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी स्लोप निकाल दो. बोलो टेन थीटा क्या होगा? दिस हाइट 10 / 2. तो पहला स्टेप क्लियर है. इसकी वेलोसिटी फर्स्ट इंटरवल में 10/2. नेक्स्ट यहां पर सेकेंड इंटरवल में स्लोप बोलो कितनी है? 0. फ्लैट तो पड़ा है ग्राफ. 0. 0 का मतलब वेलोसिटी कितनी है? 0. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट के अंदर स्लोप क्या होगा? टेन थीटा. ये हाइट, ये हाइट कितनी है? 15 - 10 यानी कि 5. और ये इंटरवल कितना है? 2 सेकेंड. तो क्या आएगा? 5/2. ये 6 - 4 आएगा. यहां पे करेक्शन करो, शीट में करेक्शन कर लेना. 6 - 4 आएगा और 5/2 आएगा. जब तो ले लेना. कहां पे? यहां तक ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो यहां पे इसकी स्लोप क्या आएगी? दिस अपॉन दिस. तो सही है, आपको पता लग गया. अगर मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज में आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना है. तो स्लोप निकालो इस डॉटेड लाइन की, क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15 / टोटल टाइम कितना है? 6. 15/6. तो कौन सी वेलोसिटी आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई. कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ये इंटरवल्स की वेलोसिटीज हैं और ये एवरेज वेलोसिटी है. एंड ये जो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर करके वेलोसिटीज निकालता था, ये कौन सी वेलोसिटीज हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं. क्योंकि मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि ये वेलोसिटी टेंजेंट से क्या आएगा? v = dx/dt. एंड dx/dt को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है यहाँ तक. जैसे हमने xt ग्राफ किया, तो अब एनालिसिस ऑफ वीटी ग्राफ कर लेते हैं. ठीक. तो देखो, अगर हम वीटी ग्राफ को डिस्कस करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो पहला ग्राफ क्या बनता है? वीटी ग्राफ ऐसा बनता है. इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. पहला पॉइंट क्लियर. अगर ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, तो आपको अगर ये कहा जाए कि यहां पर एक्सेलेरेशन निकालो, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा का मतलब हर पॉइंट पर एक्सेलेरेशन अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज. तो आप यहां पर क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ करके, ट्राइंगल ड्रॉ करके जो आप इसमें टैन थीटा निकालोगे, स्लोप निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगी? एक्सेलेरेशन. क्योंकि स्लोप हर पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज. तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो रही है? चेंज. इन एक्सेलेरेशन को क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. तो इसको और डीप में देखना है, कोई पॉइंट पकड़ लो, इसको बड़ा करके देखो तो ऐसा दिखेगा. अंदर छोटा ट्राइंगल बनेगा जो बना नहीं पाएंगे. ये जो ट्राइंगल, इसकी हाइट क्या होगी? अगर ये वी है, तो सबसे छोटा वी का इंटरवल को कैसे लिखा जाता है? डीवी. अगर ये टी है, तो सबसे छोटा इंटरवल को कैसे लिखा जाता है? डीटी. और अगर आप यहां से टैन थीटा निकाल लें, तो क्या आएगी? dv/dt. और dv/dt क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. साथ साथ प्रूफ बता रहा हूं कि क्यों हम ऐसे टेंजेंट निकालते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्लियर है यहां तक? ठीक.
जैसे वीटी ग्राफ है, आपसे पूछी जा रही है एवरेज एक्सेलरेशन, सेम रूल, आप शुरू और एंड के पॉइंट को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। तो जब आप शुरू और एंड को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या आएगा, टोटल टाइम, और टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे सपोज करो ये इंटरवल्स हैं, इस इंटरवल में ये आपके सामने फर्स्ट इंटरवल है, कौन सा ग्राफ है, एक्स टी की वी टी, वी टी, तो वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। तो अगर आप पहला इंटरवल में आप क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन, तो टेन थीटा दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है 10, ये कितना है 2 एक्सेलरेशन। अगर यहां पे देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप क्या है, 0, एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्लियर। यहां पे देखें दिस अपॉन दिस, तो ये हाइट निकाल लेना, ये 15 है, ये 10 है, तो 15 माइनस 10 है और ये 8 माइनस 5 है, कर लेंगे सॉल्व, तो 3 एक्सेलरेशन आएंगी। और अगर ये पूछा जाए फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन में शुरू और एंड के पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, टोटल टैन थीटा लेंगे, टोटल हाइट बाय टोटल बेस, तो टोटल हाइट कितनी है 15, टोटल बेस कितना है 8, आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ओके, शीट नंबर क्या थी, 8 थी, 8 ही करनी है शायद, 8, हाँ अच्छा 8 की बचे, नीचे बचे हुए हैं, अच्छा, ये एक पूरी शीट है, ओके, इसके प्रूफ्स करने हैं हमने बस।
सी, वो लाइन की इक्वेशन होती है, इतना फंडा चाहिए ही नहीं, टैन थीटा लगा के आंसर आएगा, जरूरत ही नहीं है। चलें आगे करें, काम शुरू करें। कुछ डिस्टर्बेंस ही लग रही है मुझे वहाँ पे। ठीक हो? ठीक। देखो जो हमने अभी काम किया है ना, इसके बेस पे कुछ प्रूफ्स हैं। चार इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। तो इसको प्रूव करने को आ सकता है। इससे पहले का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो तो एक नंबर में आएगा। कोई भी जैसे स्कूल का टीचर दे देगा, ग्राफ बना देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसकी वेलोसिटी निकाल दो, एक्सीलरेशन स्लोप पूरा निकाल देना, आंसर आ जाएगा। जो डेरिवेशंस हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो ऐसे आते हैं पेपर में। अब ये पेपर में आने वाली चीज़ है प्रूफ्स, स्कूल के पेपर में। तो आपको कि फिर वो इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव शीट्स भी करनी है। ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं पता वो क्वेश्चन कहाँ से देगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर काम करता है वो, और ये नहीं पता कि वो कहाँ से उठा के क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें हर चीज़ को डिस्कस करना पड़ता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था, अदरवाइज तो यही यहीं से शुरू कर सकता था मैं। बट हमने पूरा डीप उसमें स्टडी करना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा मैं मालूम होगा उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस का प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस इज इक्वल टू वी टी कब लगती है? जब वेलोसिटी क्या रहती है बॉडी की? कॉन्स्टेंट। तो आपने वही ग्राफ बनाना है जो बहुत देर से मैं डिस्कस भी करता आया हूँ, कि ये एक बॉडी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बॉडी की वेलोसिटी वी, थोड़ी देर के बाद भी वी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन, यहाँ पर कितना है एक्स टू, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एस। तो हमने थोड़ी देर पहले इसका ग्राफ प्लॉट किया था, सेम ग्राफ है ये। देखो ए पॉइंट आया था हमारा एक्स वन, यहाँ पर याद करो बी पॉइंट आया था, तो ये कितना था x2, और लाइन ज्वाइन की थी x2 टू माइनस एक्स वन और t2 टू माइनस टी वन। तो ये हमने ड्रॉ किया। तो इसके अंदर कि यहाँ पर मान लो ये x1 पॉइंट है, जब इनिशियल बॉडी यहाँ पर है, जब फाइनल बॉडी आ गई तो x2 पॉइंट है एट टाइम t2 टू इज इक्वल टू टी सेकेंड। तो इसमें कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ मैं? xt। xt ग्राफ की स्लोप अगर हम निकालें तो क्या आएगी? वेलोसिटी। तो बोलो स्लोप क्या होगी इसकी? x2 टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ये लिख लिया। और स्लोप क्या है इसकी? वेलोसिटी। x2 टू माइनस एक्स वन क्या है? s। और t2 कितना था? जीरो। t1 कितना है? t2 कितना है? t1 कितना है? जीरो। तो क्या आ गया? s अपॉन t क्रॉस मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू वी टी। तो एक मिनट में प्रूव हो गया, और ये चीज ऑलरेडी हम प्रूव कर भी चुके हैं पहले, सेम ही तो ग्राफ है, सेम ही तो रिजल्ट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कि यहाँ पर अगर प्रूफ करने को है s इज इक्वल टू वी टी, तो आपने ये डायग्राम बनाना है, आपने ग्राफ बनाना है, और फिर एक ही लाइन लिखनी है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप निकालें और इसको s पुट करें, इसको t पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर। अब जैसे प्रूफ करना है, टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड, तो एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एट टाइम t1 इज इक्वल टू जीरो से t2 इज इक्वल टू t। तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? s। तो अगर मैं इसका vt ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने प्लॉट किया था, कि a पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम t सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पर कितनी है? v है। तो यहां से a से लेके b तक ग्राफ क्या बनेगा? ये बनेगा, तो सेम ग्राफ है। और ये क्या था? v माइनस u, ये क्या है? इसमें कौन सा ग्राफ है? वी टी ग्राफ है। वी टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? स्लोप बोलो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये रहा v माइनस यू, ये रहा t, t इधर चला गया ए टी, यू इधर आ गया, तो बोलो क्या आया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने कुछ नहीं करना, ग्राफ लिखना है, ग्राफ प्लॉट करना है, स्लोप लेनी है वी टी ग्राफ की, जो कि एक्सेलेरेशन देगी, अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए। क्लियर है यहां तक? फिर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ रिमेनिंग द सेम, कोई ग्राफ में चेंज नहीं,
इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है एस, बोलो रिजल्ट क्या किया। वीटी ग्राफ का जब एरिया निकलेगा, ये ग्राफ है ए बी, इसके अंडर एरिया का शेडेड एरिया, अगर मैं ये शेडेड एरिया निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एस। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बोलो, ये यू है ये टी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा यू टी, यू इंटू टी, कोई डाउट इसमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, यू इंटू टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए सी, ए सी बोल रहे हैं, और हाइट कितनी है बी सी, इसमें वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी। ए सी किसके इक्वल है टी, तो ए सी की जगह क्या पुट कर दिया टी। बी सी की जगह पुट तो कर सकता हूँ वी माइनस यू, पर फायदा नहीं क्योंकि मेरे को प्रूव में आई नहीं रहा वी माइनस यू। तो एक काम करते हैं, बी सी को बी सी रहने देते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, टाइम पुट कर लिया बी सी नहीं पुट किया। अब आप मुझे ये बताओ कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन। क्या है स्लोप बोलो, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, इसकी जो स्लोप है टैन थीटा वो क्या है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये देखो, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन इज बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, और ए सी किसके इक्वल है टी, तो स्लोप ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय टी। क्या ये स्टेप क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी क्या आ गया ए टी, इस बी सी को उठा के यहाँ पुट कर दिया क्या आ गया ए टी, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया, दो रिजल्ट्स लिए, पहले हमने क्या किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, इसके अंदर ए सी की जगह टी पुट कर दिया। अब क्या पुट करना है बी सी, बी सी पुट करने के लिए स्लोप क्या है ए, स्लोप क्या है बी सी बाई टी, बी सी बाई टी, तो बी सी क्या आ गया ए टी, यहाँ पुट करके आंसर आ गया राइट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। टू प्रूफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड अगेन, तो इसको प्रूफ करने के लिए डायग्राम प्लीज फिगर जब पेपर में आएगा सेम ड्रॉ करना, सेम डायग्राम है, बस फर्क ये है इस बार जो हम एस निकाल लेंगे वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल देंगे। अभी जो पिछले प्रूफ में हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, उसमें एरिया कैसे निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर अगर आपको प्रूफ करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बोलो ये साइड कितनी है यू और ये पूरी की पूरी साइड कितनी है वी, तो क्या बनेगा हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस कितने है ए सी, डिस्टेंस इज ए सी। तो ये लो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू ए सी, क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और डिस्टेंस को मैंने टी लिखने की बजाय ए सी पुट कर लिया। रीजन मुझे एक बात बताओ, इसमें जो स्लोप है वी टी ग्राफ वो क्या है एक्सेलरेशन, क्या होगी स्लोप बोलो, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए सी, तो ए सी एक तरफ ए नीचे चला गया, तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए। बी सी बताओ किसके इक्वल होगा, ये वी माइनस यू, बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहाँ पर बी सी की जगह पुट कर लिया वी माइनस यू। ये जो ए सी निकाला, इस ए सी को यहाँ पुट किया, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू और ए इधर चला गया तो टू ए एस, तो क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो कुछ नहीं किया, एरिया दोनों चाहे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, चाहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस हो, दोनों में एरिया निकलेगा, एरिया के साथ स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो चाहे ऊपर वाला प्रूफ हो चाहे नीचे वाला हो, तो हो जाएगा ये प्रूफ। हाँ, अगर आप कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए, कर सकते हैं। मैंने ये किया, अगर आप कोई और मेथड जानते हैं जिसे आप इजीली प्रूफ कर सके, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर सेम निकालना है, ठीक है। यहाँ तक जो मर्जी वैल्यू पुट करें डायग्राम देके चलेगा। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, यस ठीक।
मैं हमेशा बोलता हूँ ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। जो अगला लेक्चर है ना उसके अंदर ये हमेशा आता है, ऐसे ये जो चार इक्वेशंस हैं इनके फिर से प्रूफ करने अगली बार, लेकिन ग्राफिकल नहीं, कैलकुलस को यूज़ करके, और पेपर में आएगा ही कैलकुलस यूज़ करके। कैलकुलस यानी कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करके इन इक्वेशंस को आपने प्रूफ करना है। आपके स्कूल के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 101% आएगा। अब कुछ मज़ा आया, अब मैंने कुछ बोलना शुरू किया कि कुछ आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन एरर्स का न्यूमेरिकल का आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट एंड डायमेंशन का एक एप्लीकेशन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, 9 नंबर तो यहीं इकट्ठे हो गए, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ कोर्स। ठीक, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप मार्किंग करते जाना, मैं आपको एंड में बताऊंगा अभी तो आप तो कैसे करना है काम, बस आप इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना, जब स्कूल का एग्जाम होगा तब देखेंगे। कॉम्पिटिशन में ऐसा कुछ नहीं आता, मैं पहले बता दूँ, बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। ऑब्जेक्टिव इसकी जब शीट्स मिलेंगी ना आपको आइडिया हो जाएगा, कॉम्पिटिशन एकदम अलग चलता है। उसमें सिर्फ एप्लीकेशन देखी जाती है कि आपको इक्वेशन लगानी आ रही है या नहीं आ रही, प्रूफ से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो प्रूफ एनसीईआरटी का काम है, और कॉम्पिटिशन में लगानी आई कि नहीं आई, बस ये बात है, क्लियर है? ठीक, तो ये हमने ना नेक्स्ट टाइम करनी है, अभी वो आपकी जो असाइनमेंट उसकी डिस्कशन होनी है। शीट नंबर 7, ओके, असाइनमेंट नंबर 7, कितने लोगों ने ट्राई की? ट्राई की, कितने नहीं ट्राई की? कैसे आएगी? नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ये याद रखना एक चीज़, प्लस वन की क्लास ना आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार जब पेपर आएगा ना हफ्ता पहले या महीना पहले हम पढ़ लेंगे, मुश्किल है, नहीं होती। अगर आप ये कहोगे ना, बहुत पेरेंट्स कहते हैं शुरू में तो कम पड़ता था, एंड में तो पता नहीं क्या हुआ इसे, जनवरी फरवरी के अंदर तो इसने क्या कमाली कर दी, टेंथ में रिजल्ट देखना, ये टेंथ तक ही चलता है, अभी ऐसा नहीं चलता। अभी तो आपने अब कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आप ये लगाओ अगर कॉम्पिटिशन से अगर आपने 4 महीने पहले भी शुरू कर दी तैयारी, 4 महीने पहले बोल रहा हूँ, आपका कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं होता। डेली प्रैक्टिस मैटर करेगी यहाँ पर, डेली प्रैक्टिस, आप कैसे सीखते हो ये मैटर नहीं है, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, मैटर ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है, बस उसको अप्लाई करना आपको क्लियर आना चाहिए, आपका पेपर रुक नहीं सकता। पर अगर आप याद कर रहे हो, चलो इस क्वेश्चन में ये लगा लूँगा, उसमें ये लगा लूँगा, उसमें ये लगा, फिर नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट सीखें और प्रैक्टिस तो ज़रूर करें, बिना प्रैक्टिस के तो आज तक कोई सिलेक्ट हो ही नहीं पाया, जितना मर्जी IQ लेके पैदा हो जाए, मैं बता रहा हूँ प्लस वन प्लस टू में बिना पढ़े तो क्लियर हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूँ। बहुत इंटेलिजेंट देखे और बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट देखे, जो ओरली ऐसे आप तो फिर पता नहीं, एक दो पेन, वो तो पेन को हाथ भी नहीं लगाते, एक बार 1 मिनट में आंसर आ जाते हैं, उनका भी कुछ नहीं हुआ अगर वो रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। बहुत देखे, और जो रेगुलर पढ़ रहे, चाहे एक एवरेज स्टूडेंट है लेकिन डेली प्रैक्टिस कर रहा है, वो बच्चा फिर भी कुछ ना कुछ एंड करेगा अच्छा, क्योंकि कोर्स बड़ा है ना, तो अगर आप असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी असाइनमेंट थे उसको होमवर्क जरूर करके आएँ। तो असाइनमेंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सपोज करो ए पॉइंट से कोई कार चलती है, वापस घूम के ए पे आती है, आर रेडियस गिवन है, तो लेट अस सपोज कुछ जर्नी का पार्ट बता रहा है, जैसे ए बी, मान लो ए से लेके बी तक जा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2πr/4। क्यों? डिस्टेंस का मतलब लेंथ, ए बी की जो लेंथ होगी इसका आर्क होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr, और ये 1/4 सिर्फ सेक्टर है, तो क्या आएगा डिस्टेंस? क्या आएगा? 2πr/4। और अगर मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लाइन ज्वाइन कर दो ए और बी, तो ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो ये क्या है? अंडर रूट ऑफ आर, पाइथागोरस लगा देना, √2r इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
आंसर्स वो पूरे आंसर्स नहीं है, उसको आंसर को मत देखो, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल रहा हूँ, जो मर्जी निकाल लेना, आंसर को मत देखो, ये समझ में आ गया। अब जैसे ए से सी पे आ रहे हैं, ए से सी पे ये डिस्टेंस कितना है, 2πr/2, तो 2πr/2, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से सी, कितनी 2r, तो 2r। जब मैं ए से डी पे आऊँगा तो ये 3/4 हो गया, तो 2πr * कितना 3/4। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो मैं ज्वाइन कर दूंगा ए डी, ज्वाइन करूंगा तो आर और आर का अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2r। और जब मैं ए से स्टार्ट होकर घूम के ए पे आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, और डिस्टेंस क्या होगा 2πr। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो आप लोगों को गूगल ड्राइव मिल गई थी सॉल्यूशंस सबके, ठीक, ऐसे अपडेट होते जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, फोर में डाउट, फोर में बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी विद द स्पीड ऑफ यू, तो 1/3 का मतलब टोटल अगर एक्स है तो 1/3 का मतलब एक्स बाई थ्री विद द वेलोसिटी ऑफ यू, नेक्स्ट एक्स बाई थ्री विद द वेलोसिटी ऑफ वी, नेक्स्ट एक्स बाई थ्री विद द वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री अपॉन टोटल टाइम, इस इंटरवल का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड, इसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड, इसका क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। तो यहाँ से एक्स बाई थ्री कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, x से x ये तो ऐड हो गया, x ही बन गया, x और x क्या हो गया कैंसल, कैंसल करके 3 ऊपर आ गया, तो आपके पास ये टर्म आ गई, LCM लिया u into v into w, तो ये LCM लेके ये टर्म आ गई, रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास आंसर आ गया। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कोई डाउट इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम शीट में हमने किया था, तो कितनों का हो गया था, अच्छा ठीक है, आपने वो रिवाइज की होगी शीट और फिर एक बार, ठीक। तो क्या है, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कवर्स हाफ, 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो 1/2 का मतलब x बाई टू विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट गिवन है, फिर वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस x बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, तो अगर ये जर्नी T1 में है, ये जर्नी T2 टाइम की है, तो पहला हाफ टाइम का मतलब T2/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ V1, अगला T2/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ V2, तो ये क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा V1 × T2/2, और ये डिस्टेंस क्या होगा V2 × T2/2, 2 से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया T2 आ गया, क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व करके T2 निकाल लिया, T1 आपने वैसे ही निकाल लिया x/2/v0, तो अब आपके पास क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम में T1 प्लस T2, तो T1 ये रहा, T1 और T2 ये रहा, तो इस T1 T2 को यहाँ पुट कर दिया, 2 नीचे चला गया 2v0, 2v0 में यहाँ से x कॉमन आ गया, x और x कैंसिल, यहां से LCM लिया, ये LCM है, LCM लेके रेसिप्रोकल आंसर आ गया। स्टेप्स अगर चेक करने हैं गूगल ड्राइव पे असाइनमेंट है आपकी, आप चेक कर सकते हो, पर पॉइंट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो अंदर तो मैथ है, इसको मत देखो, ये फिजिक्स नहीं है, अगर यहाँ पे दिक्कत है तो ये ना बोलो फिजिक्स में दिक्कत है, बोलो मैथ के अलजेब्रा में दिक्कत है, फिजिक्स थोड़ी ना, ये फिजिक्स वालों का काम तो खत्म हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बाकी तो आप जानो कि कैसे निकालते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, आंसर कैसे निकालते हो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, ये तो शीट की प्रॉब्लम थी 7, तो क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 9 में डाउट, 10 में डाउट, हमें तो ठीक है, क्या डाउट, 10th की और कोई, 10th बॉडी ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ S1 विद द वेलोसिटी ऑफ V1, S2 विद V2,
तो क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालो ना यहाँ पे, एस वन बाई वी वन, एस टू बाई वी टू, लो एल सी एम आंसर, रेसिप्रोकल आंसर। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट। 11 में क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें a और b तो गिवन ही है आपको, 8.5 और 2.5, तो x बन गया। क्या निकालना है, व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 एंड 2, कौन सी वेलोसिटी, जब कोई मेंशन ही नहीं है तो कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो ये x की इक्वेशन लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी, एक्स को पूरे को पूरे को यहाँ पुट करो, इसको ओपन करो, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, 2.5, इसकी 2t, 2t इंटू 2.5 इज 5t, तो ये वेलोसिटी क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस 5t। हाँ, पहले डिफरेंस करनी पड़ेगी यहां तक, फिर वैल्यू पुट करनी है, पहले नहीं करनी। मैंने कब की पहले पुट, मैंने पुट, हाँ ए और बी, हाँ बाद में कर लेना, वो कोई चक्कर नहीं। तो वी की वैल्यू आ गई, तो इसमें टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वी निकालना है, तो एक आंसर 0, और दूसरा टाइम 2 सेकंड पे निकालना है, तो एक आंसर 10 आंसर आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, इसमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन। अब टी टू टी वन तो पता है 4 एंड 2, एक्स टू एक्स वन निकालना है, ये एक्स की वैल्यू थी ऊपर, इसमें अगर मैं यहाँ पर टाइम को 2 पुट करूँगा तो एक्स वन आएगा, 4 पुट करूँगा तो एक्स टू आएगा। ये देखो, 2 पुट करूँगा तो एक्स वन आएगा, 4 पुट करूँगा तो एक्स टू आएगा। इस एक्स वन एक्स टू को यहाँ पुट करूँगा, टाइम मुझे गिवन है, डिवाइड करके क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से एवरेज वेलोसिटी में कभी कैलकुलस यूज ही नहीं होता, एवरेज में तो एक्स टू में एक्स वन होता है, और इंस्टेंटेनियस में या डी एक्स बाई डी टी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट। 13 में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सलेशन जब टाइम 0 है। एक काम करो, एक्स को, एक्स के अंदर टाइम को पहले 0 पुट कर दो, एक्स आ गया, ये पोजीशन आ गई, फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके ये वेलोसिटी आएगी, इस वेलोसिटी में अब टाइम को 0 पुट करो तो वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस आ गई। ये भी क्लियर है? फिर क्या निकालना है, एक्सलेशन, तो एक्सलेशन में जो वेलोसिटी आई थी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ गई, एक्सलेशन विच इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, टाइम से डिपेंडेंट है ही नहीं, तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और डिफरेंशिएशन के स्टेप्स तो प्रॉब्लम नहीं ना कोई, डिफरेंशिएशन के स्टेप्स तो हो जाएंगे, समझ में आ रहे हैं? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसमें ये भी गिवन है अगला पार्ट कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, व्हेन का मतलब टाइम बताओ। अब ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, टाइम आएगा, आंसर आ गया टाइम का। फिर वो ये पूछ रहा है क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। हाँ, एक्सेलेरेशन तो इसमें कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट। 14, आपको इसमें वी गिवन है, आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वी टू माइनस वी वन कब, जब टाइम 2 और 4 है, जब टाइम को 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करके वी वन निकाल लो, टाइम को यहाँ पर 4 पुट करो, सॉल्व करके वी टू निकाल लो, वी टू माइनस वी वन निकाल लो। फिर अगला पार्ट है एवरेज एक्सेलेरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो आ गई वी टू माइनस वी वन, और टोटल टाइम पता है आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो आप एक काम करो, ये वी है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो,
तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। ये ए आ गया, उसने कहा टाइम 4 सेकंड पे निकालो, एंड में टी को 4 पुट करके आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट, डाउट छोड़ो तो मैं डिस्कस ही करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2, कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल, कब, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 2 है। फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो। मुझे ये सब छोड़ो, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, जो हमने इंटीग्रेशन में किया था, कि अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकाल लो, तो पहला स्टेप क्या होगा, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, डीवी बाय डीटी। किया था, आप रिकॉर्डिंग में सुन ली होगी, और जो क्लास में जिन्होंने जो है अटेंड किया है सबको पता है, एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी। डीटी को राइट पे ले गए, डीवी और डीटी का रिलेशन आ गया, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा, तो दोनों तरफ क्या कर दी, इंटीग्रेशन। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप खुद लिमिट लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मली लिमिट्स मैं लगा के देता हूँ। अब लिमिट कैसे लगती है ये इंपॉर्टेंट है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे आप ये देखेंगे कि ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आ गई इन स्मॉल टाइम डीटी। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट टाइम की लगेगी, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो लिमिट वेलोसिटी की लगेगी, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स होती तो लिमिट एक्स की लगती, डी क्यू होती तो क्यू की लगती। तो जिसका भी वेरिएबल है टी, टाइम की लिमिट लगेगी, वी है तो वी की लिमिट लगेगी। कैसे, हम बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक्चुअल में होता है लोअर लिमिट आपको बताती है इनिशियल सिचुएशन, अपर आपको बताती है फाइनल सिचुएशन। जैसे टाइम इनिशियली कितना है, 0, फाइनल टाइम कितना है, 2 सेकेंड, तो ये गाड़ी कितनी देर तक चली, 2 सेकेंड तक, तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। अब यहां पर वेलोसिटी की सिचुएशन देखें, वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, 2, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल कितनी है, 2, फाइनल निकालनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इनिशियल लिमिट नीचे की लिमिट बताती है इनिशियल सिचुएशन, तो इनिशियली टाइम 0 था और टाइम 2 तक गाड़ी रन करती है, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, 2, और फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। बाकी अब आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म, इसको ब्रेक करेंगे, 3 बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी क्यूब बाई 3, इसकी टी स्क्वायर बाई 2, 1 डी टी की टी लिमिट्स के साथ एज इट इज, और 1 डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी लिमिट के साथ एज इट इज, एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करके 2 को राइट साइड पे ले जाना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स तो आप ही को करने हैं, बिना लिमिट के करेंगे तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, बिना लिमिट के मत करें, लिमिट्स लगाने की आदत डालें, क्योंकि हम, और अगर लिमिट्स में प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं, हमने पूरे साल 100 बार लिमिट लगानी होगी, 100 क्वेश्चंस में, मतलब ही नहीं लिमिट लगानी, आज तक किसी बच्चे ने कहा ही नहीं लिमिट लगानी नहीं आई, अंदर से आएगी लिमिट लगानी कुछ दिनों में, तो बता दिया मैंने, इनिशियल फाइनल करते जाओ, लिमिट अपने आप लगती जाएगी, लिमिट्स की आदत डालो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, इंटीग्रेशन की थी हमने, कुछ मिस किया इंटीग्रेशन में, ओके सारा किया मैंने आपको इंटीग्रेशन में, ये सिखाया था कि अगर आपको एक्स गिवन है, डिफरेंशिएट करो वी आएगा, डिफरेंशिएट करो वी को ए आएगा, अब उल्टा चलें, ए को इंटीग्रेट करो वी आएगा, वी को इंटीग्रेट करो, तो कैसे करते थे, ए को डीवी बाय डीटी, राइट साइड पे डीटी, इंटीग्रेशन की कॉपी चेक करो, टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसा, ये सेम क्वेश्चन है, याद आ गया, बस उसमें लिमिट नहीं थी, इसमें लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, ओके,